नमस्कार, न्यूज़क्लिक की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवा से जगमती सांगवान और हम उनसे बात करेंगे महिलाओं के आंदोलन और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ा हुआ, उसका एक क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है आज की दुनिया में, और इसका एक छोटा सा इतिहास अगर हमें बता पाएँ तो। देखिए, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं ने आज तक जो भी अधिकार हासिल किए हैं वो सभी संघर्षों की बदौलत हासिल किए हैं। और इस कड़ी में संघर्षों की लंबी फेरिस्त है, चाहे वो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन, दुनियादारी देखना ये था, या समान काम के लिए समान वेतन का सवाल था, या महिलाओं को जो है वोट डालने का भी अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो इस तरह ये जो लंबी फेरिस्त जो है इसके लिए कड़े संघर्ष किए हैं महिलाओं ने, और उन संघर्षों के प्रतीक के रूप में 1910 में समाजवादी महिलाओं की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के ऊपर महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। आज के समय में जबकि नव उदारवादी नीतियों को बहुत ही कड़ाई से लागू किया जा रहा है, तो इस ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को क्या और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी दुनिया के पैमाने पर नव उदारवादी विकास का जो मॉडल है उसने महिलाओं को हाशिए पर धकेला है, मार्जिनलाइज किया है। और ख़ास तौर पे हमारे देश के संदर्भ में अगर बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके के ऊपर, तो ये जो नव उदारवादी नीतियाँ जो कांग्रेस ने शुरू की यहाँ पे, अभी भाजपा की जो सरकार आई है उन्होंने और भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से उन नीतियों को लागू किया है और महिलाओं को जो है और भी ज़्यादा मार्जिनलाइज किया है आर्थिक क्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ जो महिलाओं के लिए जो समानता का अधिकार था, जो सामाजिक न्याय की एक अवधारणा हमारे संविधान के अंदर है, उन सब को पीछे धकेलते हुए वैचारिक स्तर के ऊपर उन्होंने बहुत ही प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ, जातिवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें, उनके साथ एक हाथ मिलाया हुआ है। और असल में तो वो पूरा ही आरएसएस जो है उसकी विचारधारा के ऊपर संचालित होते हैं, उससे इनका जो राजनीतिक आउटफिट ये बीजेपी जो है। तो ये दोनों कारणों से, एक तरफ आर्थिक पैमाने पे महिलाएं हाशिए पे गई हैं, दूसरी तरफ वैचारिक हमलों की वजह से उनको बहुत ही परंपरागत भूमिकाओं में पीछे धकेलने की कोशिश आज देखने को मिल रही है। महिला आंदोलन की जब बात होती है तो उसको बहुत हद तक कोशिश की जाती है कि सिर्फ महिलाओं के मुद्दों तक सीमित कर दिया जाए, लेकिन महिला आंदोलन का अगर हम इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने दरअसल जितने भी मार्जिनलाइज मूवमेंट्स हैं उनको ना सिर्फ अपना सॉलिडारिटी दिखाई है उनके साथ बल्कि उनको सपोर्ट भी किया है। तो आपको लगता है कि महिला आंदोलन को सिर्फ महिलाओं का समझकर एक कैटेगरी में रख देना एक गलत सोच रही है? देखिए, जो महिला आंदोलन है पूरी दुनिया के पैमाने पर अगर देखें आज के दिन, तो वो सबसे सक्रिय आंदोलनों में से एक है। और उसकी सक्रियता और उसकी ऊर्जा यहीं से आती है कि उन्होंने केवल महिला और महिलावादी नीतियों के आधार पर काम नहीं किया, बल्कि जितने भी उत्पीड़ित और वंचित तबके हैं, चाहे उसके अंदर मजदूर हैं, किसान हैं, या डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के क्वीर ग्रुप्स हैं, एलजीबीटी ग्रुप्स हैं, इन सब की जो भी इश्यूज हैं आज के दिन, जो भी चुनौतियां हैं इनके सामने, उन सब को लेकर महिला आंदोलन आगे बढ़ा है। और अभी देखें तो यहाँ तक कि यूएसए के अंदर अभी हाल के चुनाव में जो ट्रंप जो चुनकर आए वहाँ पे, और उनका जिस तरह का प्रतिक्रियावादी पूरा दर्शन सामने आ रहा है पूरी दुनिया के पैमाने पे, वहाँ पे उनके भी उस तरह की घोषणाओं का विरोध करने के लिए जो सबसे पहले सड़कों पे आए हैं वो महिलाओं ने ही नेतृत्व दिया है उस संघर्ष को।
और यहाँ पे भी अपने देश के अंदर भी देखें तो आज महिलाएं जो हैं, आप उनको चाहे वो ऑनर किलिंग के सवाल हैं, युवाओं के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, या फिर न्यूनतम मजदूरी का, समान काम के लिए समान वेतन का सवाल है, या फिर दूसरे मतलब विचारधारा के स्तर पे प्रतिक्रियावादी विचारों के हमले का जो सवाल है, इन सब का महिला आंदोलन संबोधन करता है और सभी तबकों के साथ मिलजुल कर जो है वो ये जो विकास का मॉडल जो जन विरोधी है उसको चुनौती देने का दर्शन जो है उसके ऊपर काम करता है। महिला आंदोलन के लिए कितना ज़रूरी है कि वह प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रगतिशील राजनीति के साथ अपने को जोड़े? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है कि राजनीतिक पैमाने पर अगर ऐसी राजनीति हो जो महिलाओं के सवालों को केंद्रीय सवालों की तरह से उनका संबोधन करे और महिलाओं को एक परंपरागत भूमिका में ना देखकर बल्कि समान नागरिक की भूमिका में देखते हुए अगर नीतियों का निर्धारण किया जाए तो हमें ये लगता है कि बहुत तेज़ी से पितृसत्तात्मक विचारों को, व्यवहार को, संस्कार को उनको पीछे धकेला जा सकता है और इसकी हम बिल्कुल ड्यू जो इम्पोर्टेंस है कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ महिला आंदोलन का जो है इंटरलिंकेज जो है वो और भी मजबूत हो, खासतौर पे आज के दौर में, इसके लिए हम बहुत सचेत रूप से काम करते हैं। इस महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कोई ख़ास आपकी मांगें जो आप आगे ले जाना चाहें और आप क्या देखते हैं आगे का रास्ता महिला आंदोलन के लिए? जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये जो नव उदारवादी मॉडल आर्थिक नीतियों के पैमाने पे जो लागू किया जा रहा है उससे महिलाओं का जो काम जो है वो निरंतर ख़त्म होता जा रहा है और फिर जो वर्तमान सरकार जो है जिस तरह की वो नीतियाँ लागू कर रही है उसने बजट के अंदर उन सभी स्कीम्स के ऊपर बहुत कटौतियाँ की हैं जो महिलाओं के लिए रोज़गार पैदा करती हैं। उदाहरण के तौर पर नरेगा की जो स्कीम है, नरेगा में मैक्सिमम जो है वो महिलाएं काम करती हैं और वो महिलाएं भी बिल्कुल जो ज़्यादातर उनमें से विडो हैं, छोड़ी हुई हैं, हर तरह से लाचार जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं। तो हम देख रहे हैं कि दो दो साल हो गए वहाँ पे महिलाओं को जो है वो उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है और इस वजह से मतलब उनको भूखों मार के उन स्कीम्स को, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं जहाँ पे केवल महिलाएं काम करती हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जहाँ महिलाएं काम करती हैं, या मदर ग्रुप की महिलाएं हैं जहाँ पे पूरे साल पूरे महीने में 300-300 रुपए ही मजदूरी मिलती है, उन जगहों के ऊपर भी ऐसी हालत बना दी गई है कि पैसा जो है वो बिल्कुल भेजा नहीं जा रहा ताकि महिलाएं जो हैं परेशान होकर उस काम को छोड़ दें। संगठित क्षेत्र में देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम बिल्कुल बचा नहीं है, जो पोस्ट जहाँ पे जो कर्मचारी रिटायर होता है वो उसके साथ ही ख़त्म होती जा रही है, ज़्यादातर काम जो है वो ठेके पर दिया जा रहा है, काम पक्का कर्मचारी कच्चा और उसमें भी महिला जो है उसको लास्ट ऑप्शन के रूप में एम्प्लॉय किया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा हमारे सामने सवाल है कि आज के दिन महिलाओं को काम मिले और उस काम का समान वेतन मिले उनको, और इसके साथ साथ दूसरा हम ये समझते हैं कि ये जो प्रतिक्रियावादी विचार जो है जो महिलाओं को एक समान नागरिक की तरह से मतलब उसकी ज़रूरतों का, विकास की ज़रूरतों का संबोधन नहीं करता और केवल उसको पितृसत्तात्मक नज़र से देखते हुए माँ की भूमिका में, बहन की भूमिका में, घरेलू भूमिका में जो धकेलने की कोशिश है, तो इन विचारों के खिलाफ भी प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार करना और जहाँ पे भी ऐसा देखने में मिले, जैसे आज के दिन महिलाओं के लिए जो भी जितनी स्कीम्स सामने आ रही हैं उनके नाम देखो, ये शोधा माता स्कीम जो है, नंद घर मतलब आंगनबाड़ी को कहा जा रहा है, पूरा वो परंपरागत एक जो सोच जो है वो हर जगह पे हावी होती दिख रही है और इससे महिलाओं के लिए जो स्पेस, लिबरल स्पेस जो बनाई थी हमने अपने संघर्षों की बदौलत, वो एक तरह से श्रिंक की जा रही है। तो इसके खिलाफ भी मतलब प्रचार प्रसार करना जागरूकता का, और इसके साथ जैसे डिसीजन मेकिंग का जो सवाल है
वो महिलाओं के जीवन में बहुत ही अहम सवाल है। और 33% आरक्षण जो है वो संसद में और विधानसभाओं के स्तर के ऊपर 20 साल हो गए, अनेकों सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन उसको लटकाया हुआ है। और वर्तमान में तो बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने इतना डंके की चोट प्रचार किया था कि आते ही 33% आरक्षण का बिल जो है वो पास किया जाएगा, लेकिन 2 साल से ऊपर चले गए, अभी तक वो कहीं एजेंडा पे नहीं आया है सरकार के। और इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसीज हैं कि और अगर उसको लेट किया जाता है, फिर ये पास भी अगर कर देंगे तो अगले 5 साल तक महिलाओं को फिर मतलब वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर इसको विधानसभाओं के स्तर पर भी पास करवाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी ये 33% आरक्षण का बिल जो है ये पास किया जाए, ये हमारा मुद्दा है 8 मार्च के मौके के ऊपर। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि इज्जत के नाम पर जो हत्याएं हैं, ऑनर किलिंग, ऑनर क्राइम, क्योंकि वर्तमान सरकार की जो सोच है वो जातिवादी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को जो है वो बढ़ावा देने वाली है, एक तरह से उनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं वो, और इस वजह से वो हिंसा बढ़ी है। तो उसके खिलाफ जो कानून लटका पड़ा है वो कानून पास किया जाए, और महिलाओं के प्रति हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस हिंसा को रोकने के लिए जितने भी कायदे कानून बनाए गए हैं उनको उनकी सही भावना के अनुरूप लागू किया जाए। अभी हम ये देख रहे हैं कि केवल भुनाने वाला जो दृष्टिकोण है ना वो हावी है यहाँ पे। आपने हमारे साथ बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।